नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विशेष इन्फो टेक्निक्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने को मिल रहा है इसमें हमें लगातार गिरावट पर गिरावट देखने को मिल रही है और पर डे हमें इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला है और कुछ देर पहले इसमें हमें अपर सर्किट भी देखने को मिला था। और हमने आपको बोला था कि ये जो अपर सर्किट लगा है ये एक ऑपरेटर की चाल है और आपको फिर से इसमें लोअर सर्किट दोबारा से देखने को जरूर मिलेगा। और देखिए, उसके अगले ही दिन इसमें हमें लोअर सर्किट देखने को मिल गया था। अब बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ये गिरावट आपको इसी प्रकार से कब तक देखने को मिलेगी। इसके साथ में एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, काफ़ी बड़ा जो है एक बोले तो एक डेटा है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हमें फिर से बहुत जल्द एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा बताएंगे आपको इस वीडियो में कि जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट हैं वो लोग इसमें आप अपनी नेक्स्ट मूव क्या करें, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग कौन से लेवल पर अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें जानने के लिए बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल में सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और साथ में आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जुड़ सकते हैं। इसमें आपको हम फ्री में इंट्राडे ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं ये सारी सुविधा आपको हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप पैनिक स्टॉक ट्रेड करते हैं या आप जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, तो ये सारी सुविधा आपको मिलेगी इस ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उस पर आप क्लिक करके ग्रुप को बिल्कुल ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2400 के आसपास हमारे मेंबर हैं तो आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके। कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैसी क्या हमें ट्रेड देखने को मिली है विशेष इन्फो टेक्निक्स में फ्राइडे के दिन। तो देखिए, फ्राइडे को इसमें ओपनिंग जो हुई थी वो 1.15 रुपये पर ओपनिंग हुई थी और ओपनिंग के बाद इसने अपना देखिए लगभग 1.20 रुपये का अपना हाई भी लगाया था। और उसका देखिए क्या हुआ, इसमें लग गया फिर लोअर सर्किट ऑलमोस्ट 9:25 के आसपास पर। और फिर देखिए फिर पूरा दिन हमें ऑलमोस्ट लगभग लगभग कितना 1:10 तक हमें इसमें लोअर सर्किट देखने मिला। और उसका देखिए फिर से इसमें तेजी आई और अपर सर्किट लगा, फिर ये डाउन गया, फिर अपर सर्किट लगा और फाइनली हमें क्लोजिंग जो है इसमें लोअर सर्किट के साथ ही देखने को मिली है 4.17% की गिरावट। लगभग अब ये शेयर 1.15 रुपये पर जो है अब पहुंच चुका है। बात करें 1 वीक में, तो 1 वीक में देखिए इसमें ऑलमोस्ट 8% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और 1 मंथ में देखा जाए तो लगभग 25.81% की हमें गिरावट इसमें अभी तक देखने को मिल चुकी है। अब बात करते हैं कि इसमें हमें कौन सा वो अपडेट है, कौन सा वो डेटा है जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। तो आप देखें कौन सा वो अपडेट है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, देखिए वॉल्यूम कितना है, लगभग 5,55,02,956 शेयरों का हमें इसमें ट्रेड देखने को मिला था फ्राइडे को। और उसके पहले एक दिन पहले जो इसका जो थर्सडे का दिन था उसमें इसका वॉल्यूम जो था वो 10 करोड़ के आसपास था। मतलब कि वॉल्यूम में जो है हाफ के आसपास गिरावट देखने को मिली थी, मतलब कि वॉल्यूम इसमें अगले दिन जो है हाफ हो गया था अगर आप थर्सडे से कंपेयर करें फ्राइडे को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर अभी देखने को मिल रहा है सेलिंग साइड पर मात्र 51,52,186 शेयरों का सेलिंग साइड पर ऑर्डर देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप कंपेयर करें वॉल्यूम से सेलिंग प्रेशर को तो हमें कम देखने को मिल रहा है, मतलब कि अब धीमे धीमे ये हमें सेलिंग प्रेशर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है और एक पॉजिटिव है इस शेयर से जुड़ा हुआ। क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर कम होगा तभी बायर्स इसमें हमें एक्टिव हमें देखने को मिलेंगे, और जब ये आपका शून्य हो जाएगा सेलिंग प्रेशर तो आपको इस बहुत जल्द आपको बायर्स इसमें एक्टिव देखने को मिलेंगे और ऑपरेटर भी फिर आपको इस शेयर में दोबारा से एंट्री लेता हुआ देखने को मिलने वाला है। मतलब कि बहुत अच्छी इसमें अब हमें सेंटीमेंट बन रहा है कि ये शेयर आपको फिर से पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे कब इसमें पॉजिटिव साइड देखने मिलेगी, तो आप देखिए मंडे को क्या होगा, मंडे को इसमें जो हमारा डेटा आ रहा है तो मंडे को भी आपको इसमें गिरावट देखने को मिलने वाली है। काफ़ी चांस है कि ये लोअर सेकंड में ही आपको देखने को मिलेगा मंडे को भी। अब बात करते हैं कि इसमें आपका लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम चलते हैं उसके लिए चार्ट की तरफ। चार्ट पे अगर आपको याद हो अच्छे तरीके से, जब इस स्टॉक में जो है अपर सर्किट लगा था, जो आपका दिन था कौन सा 3 मार्च का दिन था, तो मैंने आपको 3 मार्च को बोला था कि ये जो अपर सर्किट लगा है ये एक लालच है केवल ऑपरेटर तरफ से और इसमें आपको गिरावट बिल्कुल देखने मिलेगी। और देखिए क्या हुआ, अगले दिन देखिए 4 मार्च को इसमें हमें गिरावट देखने को मिल गई। और मैंने आपको ये बोला था कि आप जो है 4 मार्च को इसमें बिल्कुल 100% निकलने का ट्राई करें क्योंकि इसमें गिरावट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। और अगर आपने जो है 4 मार्च को इसमें एग्जिट कर लिया होगा तो आप जो है काफ़ी खुश नसीब होंगे और आप जो है अब इसमें थोड़ा सा खुश होंगे कि आप जो है इस लॉस से बच गए, क्योंकि इसमें भी गिरावट और भी हमें बिल्कुल देखने को मिलेगी, ये बात बिल्कुल श्योर है। क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि ये जो शेयर है अपना देखिए तो लोअर हाई बनाते हुए चल रहा है, देखिए अपना ये लोअर हाई बनाते हुए चल रहा है, तो इसलिए आपका ये शेयर अभी थोड़ा सा डाउन और आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको ये फिर डाउन जाने के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज दिखाएगा, मतलब कि कुछ दिन आपको एक छोटी सी रेंज बना के ऊपर नीचे करते हुआ देखने को मिलने वाला है। और आपको बहुत अभी बोले तो कुछ दिन तक तो
बिल्कुल भी इसमें अपसाइड मूव हमें देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही अब ये रैली आई थी, ये रैली आपको काफी दिन तक अभी देखने को नहीं मिलने वाली। तो इसलिए आपका इसमें बोले तो बाय करना अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो बाइंग इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप इसमें बाइंग इसमें अवॉइड करें, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी में आपको पैसा लगाना है, चाहे वो ब्लू चिप कंपनी हो चाहे पेनी स्टॉक्स हैं, अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाएंगे और सही समय पर एंट्री नहीं लेंगे और सही समय पर एग्जिट नहीं करेंगे, तो आप हर एक कंपनी में लॉस खा सकते हैं। क्योंकि चाहे आप रिलायंस इंडस्ट्री में बाई कर लें, चाहे जो है अपना विशेष इन्फो टेक्निक्स में बाई कर लें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों कंपनियाँ, देखिए दोनों कंपनी अलग अलग है, रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है और विशेष इन्फो टेक्निक्स बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री में भी अगर आप 27 रुपये बाई करते हैं तो आप जो है इसमें लॉस में होते। तो अगर आप लोग टॉप पर बाई कर लेंगे किसी भी स्टॉक पर तो आप लोग लॉस खाएंगे। तो इसलिए अगर आप अभी इसमें बाई करते हैं विशेष इन्फो टेक्निक्स में इस सिमिलरली, तो आप अभी इसमें लॉस खा सकते हैं, क्योंकि अभी ये शेयर आपका सही वैल्यूएशन पे नहीं है, क्योंकि अभी इसमें गिरावट और भी देखने को मिलेगी और ये शेयर अभी थोड़ा सा आपको डाउनफॉल और दिखा सकता है। तो इसलिए बाइंग आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, जो लोग भी अभी प्रॉफिट में हैं, जो लोग भी प्रॉफिट में हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म वाले हो चाहे शॉर्ट टर्म वाले हो, मैं उनसे बोलूँगा कि आप इसमें भी निकलने का ट्राई करें, क्योंकि इसमें गिरावट और आएगी और आप जो है इसमें डिप में बाई करके और भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसलिए अभी इसमें एग्जिट कर लें और दोबारा से आप अपनी एंट्री नीचे के लेवल पर अपनी ले सकते हैं। नीचे के लेवल पर बाई करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म वाले, शॉर्ट टर्म वाले जो भी प्रॉफिट में वो चाहें तो इसमें अपना एग्जिट अभी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौका है निकलने का और आप इसमें बिल्कुल निकलने का ट्राई करें, क्योंकि अभी आपको मौका बिल्कुल मिलने वाला है। मंडे को भी हो सकता है कि इसमें आपको सर्किट टूटता हुआ देखने को मिले, और अगर सर्किट टूटता है तो आप इसमें बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं, खास करके शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल ही इसमें एग्जिट कर लें अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो। अब बात करते हैं जिनका लॉस है, जिनका भी लॉस है और आप चाहे लॉन्ग टर्म वाले हो या आप शॉर्ट टर्म वाले हो, या तो आप इसमें एवरेज कर लें या फिर जो है आप इसमें अपना पेशेंस रखें, अपना वेट करें। क्योंकि देखिए आप या तो आप लॉस बुक कर सकते हैं, लॉस बुक करना सही नहीं रहेगा आपके लिए, या तो आप अपना एवरेज कर लें इसमें या फिर आप इसमें पेशेंस रखें, क्योंकि देखिए आपका जो लॉस है वो रिकवर तो हो ही जाना है, क्योंकि देखिए कंपनी बिल्कुल इंप्रूव कर रही है और कंपनी में क्षमता है कि आपका लॉस रिकवर कर सकती है। क्योंकि किसी ने सोचा था कि ये 20 पैसे का स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इसने वो काम किया, तो बिल्कुल इसमें कंपनी में क्षमता है और आपका पैसा जो है ये फिर से डबल ट्रिपल कर सकती है। तो इसलिए जो भी लॉस में है वो लॉस बुक ना करें, वो लोग इसमें होल्ड कर लें, ठीक है। जो भी लॉस में है वो लोग होल्ड करेंगे, जो प्रॉफिट में है लॉन्ग टर्म वाले और शॉर्ट टर्म वाले वो चाहे तो इसमें अपना भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इससे अपना एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी रुकना सही नहीं है, सेफ नहीं है, क्योंकि गिरावट आपको इसमें देखने को मिलेगी और अपसाइड मूव आपको काफ़ी दिन तक देखने को भी नहीं मिलने वाली। बाकी बाइंग इनको करनी है तो बाइंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बाइंग अवॉइड करनी है बहुत स्ट्रिक्टली। ये अगर आप 3 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, और इसके अलावा कंपनी देखिए बिल्कुल इंप्रूव कर रही है और लॉन्ग टर्म के बेस पे आपको बहुत अच्छा पैसा बनाने वाला है इस ये स्टॉक। बाकी आपको बाई करना है तो आपका जो नीचे लेवल का लेवल जो है वो ऑलमोस्ट 1 रुपये के आसपास का सपोर्ट का लेवल है, और अगर ये इस लेवल से सपोर्ट लेता है तो आप जो है बिल्कुल इस लेवल अपनी फ्रेश बाइंग करके लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ अपना निकल जाएँ और नीचे दोबारा बाइंग करके आप जो है इसमें फिर अपना पैसा बना सकते हैं। तो अभी आपका सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1 रुपये के आसपास पर है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट सपोर्ट वो ऑलमोस्ट 70 पैसे या आप बोले तो 75 पैसे के आसपास पर रहने वाला है। तो आपका इसका सपोर्ट कौन सा है, 70 पैसे के आसपास का सपोर्ट रहेगा 1 रुपए के बाद से। तो इसलिए अभी आप इसमें एग्जिट कर लें, जो भी शॉर्ट टर्म वाले और प्रॉफिट में, और लॉन्ग टर्म वाले भी इसमें अपना अभी एग्जिट कर सकते हैं। बाकी बाइंग आपको गलती से भी एक भी शेयर की नहीं करनी है। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी आपका टारगेट अभी भी 1 रुपए 20 पैसे का टारगेट नंबर 1 हमारा है, और टारगेट नंबर 2 1 रुपए 40 पैसे, टारगेट नंबर 3 1 रुपए 65 पैसे का रहेगा। बाकी अभी टारगेट पर फोकस ना करें, बाकी आप फोकस करें कहाँ पर, सपोर्ट के लेवल पर। बाकी दोस्तों यहीं तक था वीडियो, वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यारा नंबर बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।